हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से जो बीपीएससी का टीचर का बहाली निकाला गया था, वो यहाँ पे फॉर्म इसका जो है लाइव कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे 10/2/2024 से इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसका लास्ट डेट जो है वो 23 तारीख दूसरा महीना 2024 तक इसका जो होगा, इसका जो है 13 दिनों का यहाँ पे टाइम दिया गया है। जितने भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो इसका जो है फॉर्म लाइव कर दिया गया, और वीडियो को शेयर करें, जिनके पास नहीं पहुंचा है वो शेयर करें, क्योंकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम फॉर्म किस प्रकार फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, इसका शॉर्ट फॉर्म समझते हैं, उसके बाद हम फॉर्म को आगे बढ़ते हैं। इसका जो है आपको हम बताए थे इम्पोर्टेंट डेट क्या है। इसका जो है लास्ट डेट जो है अप्लीकेशन फी का यहाँ पे 25 तारीख, 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। किन्हीं भी कैंडिडेट का अगर छूट गया है तो इसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा कर दिया गया है। 25/2/2024 तक इसका एप्लीकेशन फी का लास्ट डेट है। इसका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, 7 से 17 मार्च तक इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे 750 रुपया का एप्लीकेशन फी रखा गया है, और SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 200 रुपया रखा गया है, और बिहार के जितने भी महिला इसमें अगर फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए जो है 200 रुपया का एप्लीकेशन फी रखा गया है। इनमें जो है मिनिमम एज की बात कर लें तो मिनिमम एज जो है यहाँ पे देखेंगे 18 ईयर से रखा गया है, जो कि प्राइमरी क्लास के जो टीचर होंगे उनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर से रखा गया है, और मिनिमम एज जो है यहाँ पे देखेंगे 21 ईयर से रखा गया है, जो कि TGT एंड PGT टीचर होंगे उनके लिए जो है यहाँ पे 21 ईयर से रखा गया है, और मिनिमम एज जो है यहाँ पे 37 ईयर से रखा गया है, और यहाँ पे मेल एंड यहाँ पे 40 ईयर फीमेल के लिए रखा गया है मैक्सिमम एज। जितने भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यहाँ पे 37 ईयर से लेकर 40 ईयर तक यहाँ पे इनका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनमें जो है क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक यहाँ पे टीचर का यहाँ पे बहाली निकाला गया है। देखेंगे 11th 12th 9th 10th, उसके बाद 9th 10th फीमेल कैंडिडेट के लिए था, 6 5 6 1 से 5 तक। तो फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं, इसका हम फॉर्म किस प्रकार फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आएंगे यहाँ पे देखेंगे लिंक एक्टिव हो चुका है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो बीपीएससी के साइड पे आ जाएंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साइड पे आने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन का ऑप्शन है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है अगला इंटरफेस देखेंगे, इस प्रकार जो है खुल के आ चुका है। तो देखेंगे एक एडवर्टाइज चल रहा है, तो इसका हम इसी के ऊपर जो है नीचे आएंगे, नीचे से स्क्रॉल करेंगे इस प्रकार, और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है अगला इंटरफेस देखेंगे किस प्रकार आता है, तो देखेंगे अगला पेज जो है इस प्रकार खुल के आ चुका है। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार आपको फिलअप करना है। तो देखेंगे सबसे फर्स्ट में जो है आपका कैंडिडेट का फर्स्ट नाम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट नाम है, अगर कैंडिडेट का मिडिल नाम है तो उनका मिडिल नाम भी यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट नेम उनका लिखेंगे, उसके बाद उनके फादर्स का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी होगा उनका फादर्स का नाम आपको ध्यान पूर्वक यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अगर किसी महिला का अगर भर रहे हैं तो उनका जो है हस्बैंड नेम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है विवाहित महिलाओं के लिए, उनका हस्बैंड नेम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मदर्स नेम को फिल करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे आधार नंबर दिया गया है तो आधार नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपको उस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद बोला गया आर यू इंडियन सिटीजन, है आप इंडिया के रहने वाले हैं, यस या नो में जवाब देंगे, हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ बिहार स्टेट, यानी बिहार स्टेट से निवास कर रहे हैं परमानेंट, तो है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे रेसिडेंशियल का सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर आपको फिल करना है, और कब इशू हुआ है वो यहाँ पे फिल करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी है तो यस या नो में जवाब देंगे, अगर है तो
तो यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी यहाँ पे वाइज है, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। ईबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस था ये सॉरी, और बीसी जो भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से आपको कास्ट को चुनना है, कौन सा कास्ट है वो यहाँ पे चुनेंगे। देखेंगे हमारा जो कास्ट है वो हम लिख चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है आप इंटरनेशनल का यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। आप अगर बीसी में आते हैं तो एनएससीएल के यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालेंगे और कब इशू हुआ है वो डालेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू बाय, आप बिहार से इशू हुआ है तो ये बिहार करेंगे, नहीं तो अदर स्टेट तो अदर करेंगे। उसके बाद जो है एनसीएल का सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड करना अपलोड करना है, जो कि 200 KB का होना चाहिए। आप यहाँ से देख भी सकते हैं क्या आपने अपलोड किया है। उसके बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है अनमैरिड है या अदर है जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद बोला जा रहा है आर यू ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, एडवर्टाइजमेंट थे यस या नो में जवाब देना है। यहाँ पे बोल रहा है अप्लीकेबल ओनली पीडब्ल्यूडी, 40% डिजबिलिटी यानी आप विकलांग हैं, यस या नो में जवाब देना है। अगर हैं तो इनका जो दिव्यांग का कैटेगरी है वो चुनेंगे, कौन से किस प्रकार के हैं। उसके बाद जो यहाँ पे बोला जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आपने आर्मी नेवी या एयरफोर्स में नौकरी की है, यस या नो में जवाब देना है इनको। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है पंचायती राज नगर निकाय संयुक्त नियुक्ति में कार्यरत यानी पंचायती राज या तो नगर निगम में या काम किए हैं, यस या नो में इसे भी जवाब देना है। अगर है तो उनका डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता इनमें से कोई एक चुनना है। यहाँ पे देखेंगे हमने जो चुना है वो यहाँ पे नीचे बंद हो चुका है, जो भी आप चुनेंगे और ऊपर जो है बंद हो जाएगा। आप अपने अनुसार शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है वो यहाँ पे से आपको चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता यानी परीक्षा वर्ष 2012 से लेकर नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं, यस या नो में जवाब देना है। यहाँ पर बोला गया पात्रता परीक्षा दक्षता एवं पात्रता परीक्षा या तो केवल दक्षता परीक्षा, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारा जो है यहाँ पे पात्रता परीक्षा एवं दक्षता एवं पात्रता परीक्षा के लिए हम जो है यहाँ पे अथी किए हैं। उसके बाद जो है इनमें से आपको एक योग्यता को आपको चुनना है, जो कि जिसके लिए आप यहाँ पे किस स्कूल के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे सीटेट पेपर वन और बीटेट, यहाँ पे पेपर वन दक्षता 1 से 5 की प्रारंभिक विद्यालय के लिए हमने जो है अप्लाई किया है। आप जिसके लिए अप्लाई किए हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे 1 से 5 था तो हमने सेलेक्ट किया, आप 6 से 8 हैं तो 6 से 8 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, या तो 9 से 10 है तो वो सेलेक्ट करेंगे, या तो फिर 11 से 12 है वो सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है उनका जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कब इशू हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे बोला गया है शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद जो आप किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे बच्चों को वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे पोस्ट अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, 1 से 5 के लिए तो 1 से 5 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपको एड्रेस पूरा फिल करना है, एड्रेस लाइन 1, 2, 3। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है पिन कोड आपको सेलेक्ट करना है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे वर्तमान एड्रेस हो गया, नीचे आएंगे तो नीचे आपको परमानेंट एड्रेस इसी प्रकार फिलअप करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंडेटरी एडवांटेज डिटेल्स यहाँ पे रीड योर एडवाइज केयरफुली, अगर आपने जो है इनका जो भी रूल रेगुलेशन था वो आपने सही से पढ़ लिया है तो यस करेंगे। उसके बाद जो है आपको एक ईमेल आईडी को फिल करना है, उसके बाद कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी को, उसके बाद वेरीफाई करेंगे तो इस पर ओटीपी जाएगा, एक ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद एक मोबाइल नंबर को लिखना है, मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे गेट ओटीपी करेंगे तो आप यहाँ से फिर एक ओटीपी आएगा, तो इसे ओटीपी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक कैप्चा को फिल करना है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा कैप्चा वो यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक
क्लिक करेंगे। सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है, आई यहाँ पे चेक ऑल इंटर, आपने जो फिल किया वो चेक कर लें, क्योंकि आपको जो इसमें जो है आपको करेक्शन करने का यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप लोग चेक कर लें। चेक करने के बाद जो है यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे इनवैलिड हमारा जो है कैप्चा इनवैलिड दिख रहा है, तो हम फिर से यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है यहाँ से पासवर्ड आ चुका है और यहाँ पे आपको यूजर नेम आ चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा जो है सब चीज़ यहाँ पे आ चुका है। तो अब चलते हैं यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार जो है हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से हम बैक जाते हैं, बैक आने के बाद जो है यहाँ से देखेंगे यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड यहाँ पे जो है यूजर आईडी जो भी आपका आया हुआ है और पासवर्ड जो है, और कैप्चा वाले सेक्शन पर यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो है आपको पेमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप इसका जो है आप पेमेंट करेंगे जितना भी आपके कैटेगरी के अनुसार आता है पेमेंट, तो पेमेंट करेंगे। प्रोसेस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार जो है आपको किस प्रकार आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड या तो नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड जो भी है, वहाँ से एक मोबाइल नंबर को डालेंगे और यहाँ पे एक ईमेल आईडी को डालेंगे और पेयर का नाम यहाँ पे फिल करेंगे और कौन से बैंक का यहाँ पे आपका है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ओके वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी बैंक आ चुका है, तो आप यहाँ से प्रोसेस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस करेंगे तो आपका जो भी है वो यहाँ से पेमेंट आप कर लेंगे और उनका जो रिसिप्ट निकलेगा वो निकाल के आप लोग आसानी से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ऐसे टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।